मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने दो ले लिए हैं आम, और दो आम का ही एक जग बन जाएगा इजीली, और 4 से 5 गिलास बन जाएंगे। इसको मैं कर लेती हूँ पील ऑफ, जैसे चाहे आप पील ऑफ कर सकते हैं इसको इजीली, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से करके फिर सारा किसी भी तरह इसके क्यूब्स कर सकते हैं इजीली। हम इस तरीके से हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं इस तरह करके, और इस तरह हम स्पून से सारा इसका पल्प निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको स्टोर करने के लिए इस तरीके से जिप लॉक बैग में भी कर सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं। और मैंने कर लिए हैं इसके क्यूब्स, अब इसको हम जार में कर लेते हैं। और अफ्तार में तो इसका इतना क्रीमी क्रीमी मिल्क शेक बड़े मजे का लगता है। अब मैंने आम को जार में रख दिया है, अब कोई भी क्रीम ले लेंगे, फ्रेश क्रीम या बलाई, वो इसमें ऐड करेंगे। 2 टीस्पून पूरे जग के लिए, 2 टीस्पून इनफ है, इतनी मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी, 2 से 3 टेबलस्पून चीनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। और दूध जो इसमें हम ऐड करेंगे वो बॉइल्ड होना चाहिए, कच्चा दूध ऐड नहीं होगा, बॉइल करके ठंडा करके हम यूज करेंगे। चीनी के बाद मैंने 3 गिलास दूध ऐड कर दिया है, अब इसको कर लेते हैं ब्लेंड। मैंगो मिल्क शेक अच्छी तरीके से हो गया है ब्लेंड, लेकिन जब इसको सर्व करेंगे तो आइस इसी के साथ ब्लेंड करेंगे, ऊपर से ऐड नहीं करनी, और मिल्क हम इसमें बॉइल हुआ हुआ ऐड करेंगे, कच्चा ऐड नहीं होगा। अब शेक के लिए जरूरी है कि आइस हम इसी के साथ ही ब्लेंड करें।